ओम शांति। आज की तारीख है 13/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह में रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? बहुत ही आवश्यक प्रश्न प्रत्येक के लिए। उत्तर है, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। फुरना रहता है माना चिंता रहती है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार होता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण को मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। हाँ, बाप दादा को ही चटके हुए रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है और खुशी में गदगद होना है। नंबर दो, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियां मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की भी अनुभूति होती है। यदि अतिंद्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा, पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और समान भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।